वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे स्पेशलाइजेशन के बारे में जहाँ पे आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को आप चूज करते हो। इस वीडियो में आपको हम बताने वाला ड्यूरेशन के बारे में, कितने साल का ये कोर्स होता है, एग्जामिनेशन टाइप कैसे रहता है, सेमेस्टर बेस के एनुअली, एलिजिबिलिटी कैसे रहती है, कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है, मेरिट बेस का एंट्रेंस एग्जाम, कोर्स फीस आपकी कैसी रहेगी इस पूरे टोटल कोर्स की उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कैसी लगेगी उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया क्या जाएगा। और मैं आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आप कौन से जॉब प्रोफाइल्स पे आप काम करोगे, कुछ टॉप रिक्वायरिंग एरियाज के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से एरियाज में आप काम कर सकते हो, कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका उन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और मैं आपको कुछ टॉप रिक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के स्टूडेंट्स को वो हायर करती हैं, और ये बहुत सारे चीजें रिलेटेड टू बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरा देखने का बिना किसी स्किप करने के। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में, जो एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक डिग्री प्रोग्राम है, तो चलिए इस कोर्स को अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसका ड्यूरेशन कैसा रहता है, तो देखिए ये जो पूरा कोर्स है 3 साल का एक वैलिड डिग्री कोर्स है। बीबीए के जितने भी स्पेशलाइजेशन होते हैं वो सारे के सारे 3 साल के होते हैं, वैसे हमारा जो बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है वो भी 3 साल का एक वैलिड डिग्री कोर्स है। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन टाइप के बारे में, तो देखिए इसकी जो पूरी एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएंगी सेमेस्टर बेस, इसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर इसमें आपके कंडक्ट किए जाएंगे। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए 10+2 आपका 12th होना जरूरी है, विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके 12th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। स्ट्रीम मैटर नहीं करती, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कि आप आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से आप क्यों ना हो, आप इस कोर्स को आप परस्यू कर सकते हो। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए एक होता है मेरिट बेस्ड, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम। मेरिट बेस्ड मतलब आपके 12th के रिजल्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा कॉलेजेस में, और एंट्रेंस एग्जाम मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेजेस है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाती हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करके टॉप कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। अभी हम आगे बात करते हैं कोर्स फीस के बारे में, तो देखिए 75,000 से लेकर 3 लाख तक आपकी कोर्स फीस जा सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उनके पढ़ाने के स्टाइल के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस कम भी रह सकती है, पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस और भी ज्यादा बढ़ भी सकती है। अभी हम आगे बात करते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में, आपकी सैलरी आपकी कैसी लगेगी तो देखिए आप 2 लाख से लेकर 5 लाख तक पर ईयर का आप कमा सकते हो। जैसे जैसे आपकी रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको इस कोर्स में आपको सिखाए जाएंगे, तो देखिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी बैंकिंग के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर इसमें आपको सिखाया जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, इंश्योरेंस मैनेजमेंट इसमें आपको सिखाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा। तो ये थे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जो आपको इस कोर्स में आपको बताए जाएंगे। अभी हम आगे बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कौन से जॉब प्रोफाइल पर आप काम करोगे, तो देखिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बन सकते हो, क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजर के तौर पे आप काम कर सकते हो, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हो, इंटरनल ऑडिटर के तौर पे आप काम कर सकते हो, इंश्योरेंस मैनेजर आप बन सकते हो, एजेंट एंड ब्रोकर आप बन सकते हो, लोन काउंसलर आप बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हो, रिकवरी एजेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो, स्टॉक एनालिस्ट के तौर पे भी आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। तो ये थे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ टॉप रिक्वायरिंग एरियाज के बारे में जो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेंगे, तो देखिए आप रिसर्च एजेंसी के एरियाज में आप काम कर सकते हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के एरियाज में आप काम कर सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जितने भी एरियाज है आप उनमें आप काम कर सकते हो, क्रेडिट कंपनीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो, एविएशन इंडस्ट्रीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एरिया में आप काम कर सकते हो, प्रॉपर्टी डेवलपर के एरियाज में आप काम कर सकते हो, बहुत सारे बैंक से आप उन एरियाज में आप काम कर सकते हो, बिजनेस स्कूल में आप काम कर सकते हो, चैरिटी एसोसिएशन के एरियाज में आप काम कर सकते हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो, क्रेडिट यूनियन के एरियाज में आप काम कर सकते हो, मॉर्गेज कंपनीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो, सेविंग एंड लोन एसोसिएशन के एरियाज में आप काम कर सकते हो,
कंसल्टेंसी के बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी से आप उन एरियाज में आप काम कर सकते हो और बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स के एरियाज में आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स के बारे में। अगर आपका इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो देखिए, मानव रचना इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो आता है फरीदाबाद में, ICFI यूनिवर्सिटी जो आता है रांची में, शादान यूनिवर्सिटी जो आता है ग्रेटर नोएडा में, GLA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो आता है मथुरा में, एल्फिस्टोन कॉलेज जो आता है मुंबई में, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो आता है नोएडा में, अमिटी यूनिवर्सिटी जो आता है नोएडा में, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जो आता है जयपुर में, LIKM बिजनेस स्कूल जो आता है चेन्नई में, सनराइज यूनिवर्सिटी जो आता है अलवर में। तो ये थे कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स। अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो आपको अच्छी खासी आपको प्लेसमेंट आपको इसमें मिल सकती है। अभी हम आगे बात करते हैं कुछ टॉप रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो BBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के स्टूडेंट्स को वो हायर करती हैं। तो देखिए, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, कोटक महिंद्रा जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, LIC, ICICI, लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIF लाइफ, रिलायंस, बिल्ला सन लाइफ, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, HDFC, SBI, एक्सिस जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो BBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के स्टूडेंट्स को वो हायर करती हैं। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन BBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको BBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कोर्स करने का है। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ। फिर मिलते किसी अगले नए करियर ऑप्शन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।